तो कैसे हो आप लोग, इंडियन टॉय स्टोर में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने आपको बताया थी, मेरी अगली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मैं Q7 माइक को खोल के आपको दिखाऊंगा कि अंदर से वो कैसा दिखता है और कैसे काम करता है, बैटरी कितनी आती है, बराबर। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और लाता रहूँगा। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं, हम Q7 माइक को खोलते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि इस कैप को खोलना पड़ेगा। ये कैप का मटेरियल्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और ये जो माइक है वो छोटा दिया गया है। नॉर्मली जो माइक होते हैं, जो स्टेज शो के होते हैं, उनमें जो ये वाला है ना, वो इतना साता है, लेकिन ये छोटा दिया गया है। तो ये माइक चल ही रहा है, देखो आपको बता देता हूँ। ये देखो अभी शुरू हो रहा है, ये माइक चल रहा है, अभी माइक चल रहा है। चलिए इसे बंद कर देते हैं। खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टिकर है, यहाँ पे स्टिकर दिया गया हुआ है, तो इस स्टिकर को खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चार बोल्ट दिए गए हैं और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पे तीन बटन है, जो पॉज का, प्ले का, ये बटन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए तो फिर खोलते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। तो फाइनली हमने इस माइक को खोल दिया है, चार बोल्ट निकाल दिए हैं। तो ये देखिए खोलने के बाद ऐसा दिखता है। तो ये जो माइक है, ये दोनों उसके केबल है, जो ये तो इसको निकाल देते हैं। सारे बटन भी खुल गए और सब दिख चुका है। ये स्पीकर के जारी नहीं है बटन के लिए। तो यह जो ये लोग बैटरी दिख रही है मुझे, तो ये जो बैटरी है तो मैंने हमें इसको निकाल देते हैं। बता सकूँ क्या प्रोसेस है इसे, ये माइक का भी निकाल देते हैं। माइक का भी निकाल दिया, तो माइक को भी साइड में रख देंगे। अभी देखिए आप कुछ किस तरह से दिखता है। देखिए ये मैंने वॉल्यूम का है और ये म्यूजिक और ये इको, जो ये ट्रेबल और बास के जो दो बटन हैं वो शायद नहीं दिए हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिए। शायद मुझे लगता है कि ये लो क्वालिटी का है और सस्ता है, इसलिए दे दिए थे। शायद महंगा आप इससे 1000-2000 के मिलते हैं, शायद इसमें भी होंगे दो बटन। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, ये देखिए। नहीं अभी तो नहीं होगा, क्योंकि बैटरी निकल गई है, तो निकाल के फिर चेक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखिए जो माइक के अंदर का मटेरियल सब कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हम इस केस को यहाँ पे जो स्टूडियो है उसको खोल के देखते हैं। माइक खोल दिया है, अब ये यहाँ पे भी माइक का केबल दिया है, उसको भी निकाल लीजिए। कैमरा ये मेन चीज़ है, ये मदरबोर्ड है, जो उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो ये स्पीकर है, दो स्पीकर आते हैं। चलिए तो फिर हम स्पीकर को खोल के देखते हैं अंदर क्या होता है, कैसा होता है स्पीकर। चलिए तो फाइनली हमने स्पीकर खोल दिए हैं, तो कुछ इस तरह का मटेरियल्स दिख रहा है आपको। देखिए ऐसे स्पीकर आते हैं इसमें, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पीकर इसमें मिलता है, तो साउंड बहुत ही अच्छा आएगा, तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, ये Q7 माइक और ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये सिर्फ 500-600 का है।
तो आप भी बहुत बहुत बढ़िया है अमेज़न पे, मैंने अमेज़न से लिया था, तो प्लीज़ आप भी अमेज़न से ख़रीदें क्योंकि अमेज़न पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। तो अमेज़न से ख़रीदिए आप, और अच्छी अच्छी क्वालिटी के माइक है, 2000 का 5000 का, जैसा जैसा क्वालिटी का क्वालिटी होगा वैसा माइक होगा। तो बहुत ही बढ़िया माइक है, मेन चीज़ रह गई है जिसके बिना ये चल ही नहीं सकता। तो चलिए तो फिर हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कितनी एमएच की होती है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो 500-600 की चीज़ है, तो साधारण सी बात है कि बैटरी देखी आई, और बहुत बढ़िया बढ़िया माइक मिलते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा माइक लेंगे तो मेरी बैटरी भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये भी बैटरी मैक्सिमम 3-3 घंटे तो वर्क करती है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद 2-3 घंटे काम करती है तो मिनिमम 900 mAh की होगी शायद। तो चलिए तो फिर अपना हमने मैंने आपको दिखा दिया कि Q7 माइक जो माइक होते हैं वो अंदर क्या होता है, मैंने आपको दिखा दिया कि ये इतनी सी चीज़ें होती हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जितना मैंने उतना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।